बिहार के कटिहार जिले से दिल्ली जाने वाली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में मंगलवार की देर शाम 16 नाबालिग बच्चों को बरामद किया गया, तो वहीं 15 मानव तस्करों को भी ट्रेन से ही गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ आरपीएफ व जीआरपी और चाइल्ड लाइन टीम ने बिहार में कार्यरत बचपन बचाओ आंदोलन की टीम की सूचना पर कार्रवाई की है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इनमें ज्यादातर बच्चे बिहार के पूर्णिया, कटिहार और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से दिल्ली ले जाए जा रहे थे। यूपी के अलीगढ़ जिले में रविवार की देर शाम जीआरपी आरपीएफ में 4 मानव तस्करों के चंगुल से 8 मासूम बच्चों को मुक्त कराया गया था। तो ये 4 मानव तस्करों को रविवार को गिरफ्तार किया गया था, जबकि रविवार की देर रात में इसे कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन से 8 बच्चों को छुड़ाया गया था। इससे पहले इस सूचना के आधार पर ही पहले इस ट्रेन को टुंडला जंक्शन पर भी रोका गया था, वहां पर 4 बच्चों को बरामद किया गया था, जिसके बाद मंगलवार को बचपन बचाओ आंदोलन की सूचना पर अलीगढ़ जीआरपी इंस्पेक्टर अब्दुल मोईज खान और आरपीएफ इंस्पेक्टर चमन सिंह तोमर ने चाइल्ड लाइन के ज्ञानेंद्र मिश्रा के साथ मिलकर पूरी टीम ने ट्रेन के अलीगढ़ जंक्शन पर पहुंचते ही कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर ट्रेन की एक एक बोगी में चेकिंग की कार्रवाई की गई। इस दौरान पूरी टीम ने रेस्क्यू शुरू किया, जिसके बाद बोगी संख्या D1, D2, S4, S7 और S8 में पुलिस ने इस ट्रेन से मानव तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 16 नाबालिग बच्चों को ट्रेन की अलग अलग बोगियों से बरामद किया। तो इन बच्चों की तस्करी करने वाले 15 मानव तस्करों को भी ट्रेन से मौके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने सभी को थाने लाकर पूछताछ शुरू किया। पूछताछ में सामने आया कि अधिकतर बच्चे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सहरसा और पश्चिम बंगाल की विभिन्न जिलों से दिल्ली तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। इस दौरान पूछताछ में सामने आया कि इन बच्चों को इन तस्करों द्वारा किसी को तो पढ़ाई, किसी को पंजाब और दिल्ली घुमाने का लालच दिया गया था। इसके बाद ये तस्कर दलाल इन बच्चों को ट्रेन से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के अलग अलग जिलों में भेज देते। उसके बाद इन बच्चों को अलग अलग राज्यों में ले जाकर घरेलू कामगार, ढाबों, ईंट उद्योग व विभिन्न तरह की फैक्ट्रियों में बाल श्रम की आग में झोंक दिया जाता। भी कल जो है सूचना मिली, ये बचपन बचाओ कल्याण, बचपन बचाओ आंदोलन एक NGO है, उसके द्वारा हमारे पुलिस अधिकारियों को जो मेल पर सूचना दी गई कि जो है कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट ट्रेन में जो है बिहार से दिल्ली के लिए जा रहे हैं, उस सूचना पे कंट्रोल रूम के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली कि ये ट्रेन अटेंड किया जाए, इसमें इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही है। सूचना पे मेरे द्वारा अपने पुलिस फोर्स के साथ RPF को सूचना दी गई, उनको बुलाया गया, चाइल्ड लाइन को बुलाया गया और पूरी ट्रेन को जो है सर्च कराया गया। सर्च कराने पर जो है कुल 8 बच्चे मिले जो नाबालिग हैं, जिनको जो है 4 व्यक्तियों द्वारा जो है काम कराने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था, और उनको जो सब जो कि सभी नाबालिग हैं। ठीक है, अब तक कितने बच्चे और क्या मकसद था जो लोग ये इनका मकसद ये है कि ये जो इस तरह के लोग हैं बिहार में या कहीं भी जो है गरीब परिवार को जो है चिन्हित करते हैं और उनको एक अच्छा पैसा देकर उनके बच्चों को जो काम पर ले जाते हैं और उनसे कोई पूछने पर ये बता देते हैं कि हम बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं या इनकी पढ़ाई के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये इनको काम कराने के बहाने ले जाते हैं और इनका पूरा रैकेट है। ये इनके ठेकेदार होते हैं, ये जो है वहाँ से मालिक से अच्छा पैसा लेते हैं और बिहार से लेबर सप्लाई करते रहते हैं। ये दिल्ली ले जा रहे थे, दिल्ली ले जाने के बाद जो है ये अलग अलग जगहों पर जहाँ जैसी डिमांड रहती है वहाँ पर काम के लिए भेज देते हैं। हाँ, इसमें 4 मुलजिम व्यक्ति पकड़े गए हैं जो बिहार कटिहार के रहने वाले ही हैं। पूछताछ में उन्होंने क्या बताया, क्या इससे पहले भी उन्होंने बच्चों को ऐसा किया है उनके साथ या पहले के टाइम कितने बच्चों को लेकर गया? इनका पिछले अभी लॉकडाउन की वजह से तो आना जाना कम था, लेकिन पहले भी ये काम करते रहे हैं दिल्ली में और कई बार बच्चों को आते ले जाते हैं। ये इनका काम ही यही है, ये अपने गाँव या आस पास के बच्चों को इनके परिवार से मिलते हैं और उन्हें एडवांस में पैसा भी देते हैं बच्चों के माँ बाप को और उन्हें ले जाते हैं। अब तक कितने बच्चों को? अब तक यहाँ थाना GRP अलीगढ़ के द्वारा जो है 16 बच्चों को बरामद कर इन तस्करों से मुक्त। की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।